ये किसी पर जरूर पड़ रही है। हमने यहाँ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी अभी कैमरे पर आने पर तैयार नहीं है। भाई फिलहाल ये तस्वीरें देखने लग रहे हैं आप हसी के पावर हाउस तो भाई बिजली करता है। ये के किसी पर जड़ पड़ रही है दिखाई लगा नहीं हुआ। देख ले भाई फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तो आ गई है, एक जैली और एक उरना खड़ी है। एक या जान लग रही है, एक या जान लग रही है और एक वन उन्ना जैली, ठीक है दो ये खड़ी है, चार होगी। अच्छा एक जैली पांच आ रही थी फिलहाल हसी के अंदर। हाँ जी भाई जी, चार गाड़ी पहले भी खाली होगी जाली भाई साहब, चार गाड़ी इन तो पहला भी खाली हो जाएगी, पहले होगी जाली, इतनी ज्यादा आग लग रही थी। हाँ यही सार से गाड़ी आई है, एक वो गई वो नारनौंद वाली है। अच्छा हाँ यही सार से आई है और वासी वाली पहले दो गाड़ी मार गए, दो दोबारा वो आग। अच्छा एक बार प्रॉपर ये जगह बताना भाई जी कौन सी है। ये हसी काली देवी भैनी रोड के ऊपर है बिजली घर। बिजली घर तो बिजली घर का एक ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी तो सुनने में लगभग बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई जी। भाई ज्यादा टाइम कैसे लगे बुझाने में? नहीं बुझाने में तो ज्यादा टाइम तो इसमें तेल होता है ना ट्रांसफार्मर के अंदर, दो घंटे लगे वो तो लगे होंगे। हाँ बिल्कुल लगे होंगे, दो घंटे लगे। टोटल क्या गाड़ी आ ली पानी पहुँचाने? पानी के लिए चार गाड़ी तो पहले खाली हो गया जाली और ये चार अभी यहाँ खड़ी, मतलब आठ गाड़ी आ ली आग बुझाने खतर पानी की। अच्छा आठ पानी के हिसाब से बुझी गए जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके हिसाब से? नहीं फोम वगैरह डाल के फोम की। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल ये बिजली घर सही तस्वीरें देखने लग रहे हैं। आपने वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ आग लगी थी, मौके पर तो हम नहीं पहुंच पाए, थोड़ा हाँ लेट हम हो गए हैं और इबी भी धुम्मे उठने लग रहे हैं और कैमरा मैन ने कहूँगा उस पर जूम करके दिखाओगा जड़ा आग लगी थी जिस ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, क्योंकि इसके अंदर तेल हुआ है तो बहुत लगभग दो घंटे के आसपास इसने जो है बुझाने का टाइम लग गया है। और उरे देख लो लगातार ऐडा देखने लग रहे हो पानी पानी खिंड रहा है, तेल भी मिक्स हो रहा है शायद इसमें तेल भी गले खिंड रहा है। और शामी देख लो हाँ जी फोम यूज कर रहा जी, फोम पानी से नहीं बुझी नहीं पानी से आग नहीं बुझी जी। अच्छा फोम यूज करना पड़ा ठीक है। और अभी भी लग रहे हैं के कारण अभी भी लग रहे हैं जी, अभी थोड़ा ठंडा किया जा रहा है। अच्छा टीप सी समेट दी थी साड़ी? नहीं जी नहीं ठंडा किया जा रहा है, अभी धुआं उठ रहा है थोड़ा गर्म है जी। आठ गाड़ी आली बताओ है? आठ गाड़ी लग ली जी। ठीक है ठीक है। अच्छा जैसे कि आपने पढ़ा है साइंस में कि बिजली के किसी भी चीज में आग लग जाए तो माटी का प्रयोग करो रेत का फोम या फोम? हाँ फोम तो फिर पानी का क्या रीजन रहा पानी मंगाने को? नहीं पानी से नहीं बुझेगी जी, फोम कैसा है जी फोम जो आग को कवर कर देता है। अच्छा अच्छा हाँ उसको मस्त दम घुट जाता है फोम से। ठीक बात, अगर दम घुट जाएगा तो आग बुझ जाएगी, यानी कि उस आग ने ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी आग कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है भाई फिलहाल एक बार और दिखाई दे, एक बार जो आठ गाड़ी जो जाली है बुझाएगा नहीं इसने। और ये भी धुआं किस कारण उठे हो? ये तो थोड़ा गर्माश है जी, गर्माश के कारण उठ रहा धुआं। अच्छा आग वैसे कंट्रोल है। ठीक है ठीक है। अच्छा मेनली अगर यहाँ पे पूछा तो शुरुआत में किस जगह पे आपके अनुसार स्पार्किंग हुई होगी? स्पार्किंग का तो देखो सर अभी पता नहीं, बाद में पता करेंगे कहाँ स्पार्किंग हुई कहाँ नहीं। हाँ। अभी तो लग रहे हैं काम करने लग रहे हैं। हाँ। अच्छा देखा जाने लग रहा है ऊपर तो वो तारे भी टूट गई है लगभग, ये चीनी मिट्टी सारी टूट के डर रही है आग, ये जो आग ये जम्फर नहीं होते जम्फर। हाँ। ये भी लूज की वजह से इनसे भी आग लग सकती है। अच्छा तोड़े गए जान करके अपने आप टूटे हैं? अपने आप टूटे जी। तो अच्छा आग की वजह से टूटे हैं? तो ठीक है ठीक है। आग ज्यादा थी भयंकर आग। अच्छा, आग लगने के बाद कितनी देर में सप्लाई काट दी इसकी पावर हाउस की? सप्लाई तो सर हमने तो कटी हुई मिली, हमें 7:25 पर मैसेज आया हमारे पास। अच्छा उसी टाइम तुरंत यहाँ 7:30 पर गाड़ी पहुँच गई जी। आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? मैं फायरमैन जी। अच्छा अभी भी लगातार इसको ठंडा करा जाना लग रहा है तो अभी तो ज्यादा आग लगनी दोबारा तो नहीं। कैमरा मैन को दिखा दे ऊपर प्रॉपर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जी, ठंडा हो जाए थोड़ा, गर्म ज्यादा है। गर्म ज्यादा है बाकी आग कंट्रोल है। कितना कितना समय लगे एस्टिमेट आग बुझाने में? एस्टिमेट 3 घंटे लगे सर। एस्टिमेट 3 घंटे लगे? 3 घंटे लगे अभी तक तो लगे रहे हैं जी, 7:25 पर मैसेज है, देख लो कितना टाइम होया। अभी टाइम 9 से तो ऊपर हो गया, हुआ टाइम 9 से ऊपर हो गया जी टाइम। हाँ फिर ढाई घंटे तो हो गए। ठीक बात है, ढाई घंटे लगातार हो गए। अच्छा जो हसी की फायर ब्रिगेड थी हसी वाले बुझे नहीं हसी में गाइस ने? नहीं वैसे आग तो कंट्रोल हो गई थी, फिर नू दबे हमने यहाँ हसी लाइट कटने की वजह से पानी नहीं मिला जी। हाँ पानी की दिक्कत आ गई थी इसलिए हिसार से गाड़ी मंगवानी पड़ी। ठीक बात है। एक नालून। अच्छा, से मंगवाई, दो गाड़ी हिसार से मंगवाई। अभी बात करें तो पूरा सीसीटीवी की जो है लाइट कटी हुई है? बिल्कुल आसी मारे लाइन की तो कटी हुई है। अच्छा हाँ जो फायर ब्रिगेड है इस लाइन की सभी लाइट कट रही है, पानी नहीं मिला तो शाम रोड से जनरेटर चलवाएंगे तब पानी भर के जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये जनरेटर वाला मिला तेल को, तेल हम डलवाते हैं और पानी भरो हमारी गाड़ी में, हमने पानी की सख्त जरूरत है। ठीक है ठीक है। अब भी वहाँ दो गाड़ियाँ मतलब पानी के हिसाब से तो बुझी को नहीं, फोम के हिसाब से बुझी है।
बुझे को नहीं फोम के बगैर तो फिर देखने लग रहे हो बैठे मीटर लग रहे हैं इस साइड में, ये भी सारे जरक खाक हो रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखा मीटर के अंदर जो ये आकर है ग्रिफ ग्राफ, ये भी लग रहे हैं टूट भी रहे, सारे के सारे तार टूट रहे हैं। और एक फैन भी है ठंडा करने खातर, फैन भी अगर दो जड़ गए हैं फैन भी। और जो ये चीनी मिट्टी के आकर है ये भी जो करंट फ्लो को नहीं आने दिया कर दी, ये भी टूट गए। ऊपर जो है डोरी भी टूट दी, ऊपर दिखा दे भाई जो इसके ऊपर डोरी आकर है बम्पर बोलिया कर इसने है हाँ बम्पर बम्पर हम डोरी भी टूट गई। और इबी भी लगातार जो है उन लगा दिखा दे नुना जड़ तो चलन लग रही नोड़ा मीते जड़ चलन लग रही है। यो देख लो भाई फिलहाल या एक और चलन लग रही है भाई, जल्दी आवा आज कहना। ये देख लो भाई ये ऊपर खड़े है भाई, ये देख लो ये सिलेंडर भी पड़े हैं, ये लगातार ये बुझा लग रहे भाई साहब, कड़ी मेहनत कर रहे हो। ओहो हो वो तरीका जूम करके दिखा भाई, उर लगा नहीं आ जा। ओ भाई साहब उर्लगा जो है ज्यादा धुमा उठ रहे भाई साहब, भी धुमा उठे हो के लायक तुझे भाई जी लायक ना ना आग को लगा भाई साहब आग नो को लगा जो कभी ये गर्म है। अच्छा बाप है यार बाप है हां आग बुझली इसकी बुझली। अच्छा कौन से कहानी लगी थी भाई जी शुरू में अगर बताओ अपने? भाई बीच में लागे से लागे जब तो अच्छा जो बीच में रबड़ की सीलो है। अच्छा रबड़ की सीलो आपने बताया तो जो इसके में तेल हो नहीं जो ट्रांसफार्मर का तेल हो है वो तो बंद हो उसको चुकर तो पैक हो दो गर्मी हीट होने के कारण। अच्छा लोड होने के कारण वे सील बढ़ जाती है सील बढ़ गई है फिर वो तेल आग पकड़ गया ठीक है। अच्छा इसकी वजह से कोई आस पास वाले उन्होंने नुकसान तो कोई नुकसान नहीं भाई साहब, सुबह गाड़ी चलती है 7 बजे की। अच्छा कोई नुकसान नहीं है सारा कंट्रोल है। अच्छा जान माल सब कुछ बता दिया सब कुछ बच गया। हाँ चोखा भाई बच्चा रह गया। अरे नीचे के पानी खिंड रहे तेल खिंड फोम है भाई साहब फोम है यो दिखा दो यो फोम खिंड रहा है फोम क्यों है जो कि आग ना तेल की आग में फोम काम करता है फोम काम कर रहा है इससे दाग बनते हैं और उसको कंट्रोल करता है फिर ये ठीक है जो फायर आग का जो है उसका ऑक्सीजन के साथ संपर्क काट दे ठीक है दाग बन के उसको ऑक्सीजन खत्म कर देता है उसकी ठीक है। और ये भी दिखा दे भाई ऊपर लग रहे भाई सिपाही देख ले भाई लगातार आग ने बुझाने खातर और जो है बड़ी खतरनाक जो इसके अंदर आग लग रही थी और लगभग टाइम ज्यादा नहीं लग गया भाई साहब बुझाने भाई साहब टाइम ज्यादा नहीं लगा 3 घंटे बताऊं ना 3 घंटे तो नहीं 2.5 घंटे हम 2 घंटे में कंट्रोल होगी 2.5 घंटे क्योंकि इसके नीचे रुकने की जगह नहीं है जो दाग बनेंगे ना वो इकट्ठे नहीं हो सकते वो फैल जा है इसके लिए टाइम ज्यादा लग गया ठीक है। अच्छा आपको तो 2.5 घंटे ज्यादा भी नहीं है आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सको हो इस ट्रांसफार्मर के अंदर इतनी आग थी जो ऊपर एंगल हुआ है जो बम्पर की इसकी वह भी जो है मुसगी है तय कहना अरे भी इसने ठंडा कर जान लग रहा है कि भाई आग जो है आग दोबारा तो लागे को नहीं लेकिन ये जो है गर्म है इसके अंदर भाप सी निकलने लग रही है भी ठंडा करना जरूरी है इसको। अच्छा हाँ अच्छा लाइन कितनी देर बाद कट गई थी? लाइन तो उसी टाइम कट गई थी आग लगते ही ऑटोमेटिक कट जाए और कट गई थी यहाँ के कर्मचारियों ने काट दी थी पीछे से कटी है वो तो भाई साहब डिपार्टमेंट ने पता अच्छा जो ये फायर लिख रखे हो रहा है तूरे भी आग रहे हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर काम को नहीं आए आग ज्यादा होने का नहीं ये कुछ काम नहीं कर सकते थोड़ी आग होना उसमें काम करेंगे ठीक है आग बहुत ज्यादा है। अच्छा ये कितनी बंद हो गया यो ठंडा हो गया बंद कर देंगे आठ लाख की 10 लाख की जो भी कुछ है 8-10 गाड़ी लगी फिर भी यार देख ले 8-10 गाड़ी पानी की लग ली अंदर कंट्रोल नहीं है नीचे अगर ये किसी कमरा में होता ना तो फॉर्म से जल्दी हो जाता क्योंकि सारा पानी फैल जाए इसके दाएं बाएं इसके लिए टाइम लग जाए। अच्छा अगर यो तेल उसके अंदर लग रही थी जो तेल बाहर निकल जा नहीं तो बाहर भी लग जा रहा है ना तेल के अंदर बाहर पानी मिक्स हो जाता है आग नहीं लगती जो अंदर तेल उसको आग लग गया ठीक है। चलो भाई तस्वीरों को शेयर कर दियो और अभी भी जो है ठंडा गर्म लग रहे हैं आसी के जो पावर हाउस पे हम खड़े हैं जो भी वाणी रोड पे इसमें जो आग लगी थी भयानक आग लगी थी ज्यादा आग हुई है और 2.5 घंटे में जो काबू पाया है इतनी ज्यादा आग थी ऊपर के एंगल भी पंगड़ा थी तय की थी मतलब साइड में जो है पानी के फुहारे लगने लग रहे हैं। और चलो भाई मिलते हैं किसी नई अपडेट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।